संविधान भी जो था ना, ये संविधान भी 2 साल 11 महीना में बनकर तैयार हो जाता है, इतना बड़ा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य देखिए कि 22 साल में एक अच्छा से स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन पाया। उसके बाद ये कहीं ना कहीं खतियान की जो मुद्दा है वो एक षड्यंत्र बन गया है, झारखंड के लिए षड्यंत्र बन गया। कैसे, हम बताना चाहते हैं। राज्यपाल के विषय में कहावत प्रचलित है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाले तोता। स्वागत है आपका, भी स्वागत है और आपको देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम। हमारी ओर से आपको बधाई और शुभकामना, क्योंकि आपने आंदोलन को लगभग 14 महीने से लगातार प्रभावी रूप से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 14 महीने आंदोलन के हो रहे हैं, तो इस आंदोलन को सफल बनाने में आप अपने आप को कितना सफल महसूस करते हैं? ये आंदोलन एक्चुअली में हमारा नहीं है, ये सभी झारखंड वासियों का, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई उनकी कैसे है, हम केवल एक विचारधारा थे, हम जानते थे कि स्थानीय नीति क्या है, हम जानते थे कि नियोजन नीति क्या है, हम जानते थे कि खतियान क्या है, हम जानते थे कि खनन नीति क्या है, उद्योग नीति क्या है, विस्थापन नीति क्या है, बस ये नीतियाँ हम लोग जानते थे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे, स्टडी किए थे उसी विचारधारा को, केवल और केवल हम लोग लोगों के बीच में रखने का काम किए हैं। जब लोगों ने इस चीज़ को जाना, समझा कि हमारे साथ कितना शोषण हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, तब उन लोगों ने क्या किया कि उनकी अंदर भावना जगी झारखंडियत की, वो भावना जगी कि हाँ अब हम लोग अपनी अस्मिता की रक्षा करेंगे, अब अपने झारखंडी जो है अपनी जनमानस अपनी अस्मिता की रक्षा करेगा। और सभी ने जब उनको लगा कि हम शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो सड़कों पे उतर आए। तो केवल हम एक विचारधारा थे, हमने कोई आंदोलन नहीं किया, लोगों ने आंदोलन किया, हम उसका केवल एक विचारधारा बन के आए, लोगों को समझाने का काम किए, बताने का काम किए, मेरा कर्तव्य इतना ही था, बाकी काम लोगों ने किया है, बाकी काम जनता ने किया। जो भाषा का लड़ाई लड़ा 6 महीने में, उसका परिणाम दिखा था जमीन पर, और उसके बाद आप लोग खतियान की लड़ाई के लिए आप लोग आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं आप लोग के आंदोलन को मुकाम दिखता नजर आ रहा था, और सरकार इस पर प्रभावी रूप से खतियान 1932 को विधानसभा से पारित भी किया था, मगर अंतोदगतवा वह उसे वापस ले लिया गया। राज्यपाल के द्वारा ये वापसी को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं खतियान की जो मुद्दा है वो एक षड्यंत्र बन गया है, झारखंड के लिए षड्यंत्र बन गया। कैसे, हम बताना चाहेंगे। ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो होता है वो राय सूची का विषय है। राय सूची मतलब 3 विषय होते हैं, एक संघ सूची, एक राय सूची और समवर्ती सूची, और स्थानीय नियोजन नीति जो है वो राय सूची का विषय है। लेकिन ये झारखंड जेएमएम की जो सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, आरजेडी भी सम्मिलित है, उन्होंने क्या किया कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को केंद्र पर टालने का प्रयास किया। अब इन्होंने क्या किया कि हम स्थानीय नियोजन नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिए। तो जब भेज भी दिए थे तो केंद्र सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि उनको जल्द से जल्द इस नियोजन नीति को, स्थानीय नीति को परिभाषित करके और झारखंड के आदि यहाँ के लोगों के लिए, मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए भला करने का काम करना चाहिए। लेकिन ये दोनों, एक तरफ बीजेपी जो केंद्र में बैठी है, एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम जो गठबंधन की सरकार है, दोनों एक षड्यंत्र के तहत यहाँ के लोगों को केवल शोषण और अत्याचार करना चाहते हैं। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी पारसनाथ का मुद्दा चला, पारसनाथ में क्या मुद्दा जब चलता है कि इसको इको सेंसिटिव जोन से हटाया जाए, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित किया जाए, पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, तो ये अनुशंसा कौन करती है? राज्य सरकार अनुशंसा करती है, और वही केंद्र सरकार जो इसकी विपक्ष की सरकार है, तुरंत यही जो यहाँ विपक्ष है राज्य में, वही सरकार वहाँ मान लेती है तुरंत को। मतलब जब बाहरी मुद्दा आया, जब झारखंड के बाहर का मुद्दा आया, जब अन्य लोगों के, अन्य कम्युनिटी का मुद्दा आया, तो ये लोग तुरंत दोनों एक हो गए, कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। लेकिन जब झारखंड की बात आता है तो ये लोग पक्ष और विपक्ष करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड को एक षड्यंत्र के तहत बर्बाद करने का ये लोग जो 22 सालों से किए हैं और आज तक आगे भी कायम रखना चाहते हैं, यही इनका मानसा है। दादा, जैसे कि आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि आपने देखा कि राज्यपाल ने इसे वापस लिया, और जैसे ही खतियान 1932 की वापसी होती है और कहीं ना कहीं राज्यपाल को ही हटा दिया जाता है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, राज्यपाल के विषय में कहावत प्रचलित है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाले तोता है, उनको पार्टियां चलाती है, जिसकी सरकार रहती है केंद्र में वो नियुक्त करती है, उसी के इशारे पर वो राज्य सरकार राज्यपाल काम करती है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल भी आज एक ऑटोनॉमस बॉडी ना होके वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होते हैं, और कहीं ना कहीं वो खतियान को वापस करना भी कहीं ना कहीं हमको षड्यंत्र ही लगता है। षड्यंत्र ही है, जिसको जिस तरह से उसको खारिज किया गया, एकदम पूरी तरह से षड्यंत्र है, हम उसका उदाहरण देना चाहेंगे। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि ये जो स्थानीय नीति है, जो नियोजन नीति है,
सबसे पहले तो ये नियोजन नीति था नहीं, ये स्थानीय नीति था, और इनको ये कह के वापस कर दिया गया कि नियोजन नीति ही गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 का वायलेंस करती है। तो मैं 14 का बात बताना चाहता हूँ। अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार, मतलब देश में सभी को समान अधिकार होगा, किसी को किसी राज्य में मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा। तो हम तो मार पीट नहीं रहे थे, किसी को भगा नहीं रहे थे, तो ये समानता तो हम दे ही रहे थे, लेकिन फिर भी उसको उसी आधार पर खारिज कर देगा। 15 कहता है किसी भी जाति, धर्म, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम किसी को यहाँ से भगा रहे थे, हम किसी को मार पीट के भगा रहे थे जो बाहर के लोग आए, नहीं, उसको भी कहते हैं कि आप कमाने आए, खाने आए, आप कीजिए, लेकिन आप कहिएगा कि हमारे नौकरियों में अधिकार चाहिए, आपको वहाँ रिजर्वेशन चाहिए, तो हम तो ये करेंगे। क्योंकि हमारे 28 में से 18 राज्य में अपने लिए सी और डी के नौकरियों में 90% अपने लिए रिजर्व किया है और 10% बाहर के लोगों के लिए। वही नियोजन नीति हम भी चाहते थे, उसी आधार पर हम भी रिजर्व करना चाहते थे। दादा एक सवाल, एक सवाल। 15 अनुच्छेद तो हो गया, 16 अनुच्छेद कहता है कि नियोजन में समान अधिकार। तो समान अधिकार हम दे रहे हैं, हम 10% आपको दे रहे हैं, जैसे बाहर के लोग हैं, 10% ना होंगे बाहर के लोग, तो हम 10% तो बाहर के लोगों को ले दे रहे हैं। अब 90% तो यहाँ के लोग हैं ना, 10% बाहर से आए होंगे, तो 10% हम अपन भी छोड़ रहे हैं, पूरी तरह से रिजर्व कर नहीं रहे हैं। तो 90% जब हम यहाँ के 90, मतलब 100 में से 90 लोग जब यहाँ के, तो 90% तो यहाँ के लोगों के लिए हुआ, 90 लोग यहाँ के लिए होंगे और 10 वो बाहर के लिए, तो वो तो काम हम कर ही रहे थे और ऐसा अन्य राज्यों ने भी किया है, तो हम गलत कहाँ थे। तो ये एक षड्यंत्र के तहत, बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत इस नियोजन स्थानीय नीति को खारिज करवा दिया गया, इसको वापस करा दिया गया और कहीं ना कहीं ये लटक के रह गया, जहां पूरी तरह से यहां छात्रों के भविष्य, जो झारखंड के जो छात्र हैं उनका भविष्य को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है पूरी तरह से और बर्बाद किया जा रहा है। जैसा कि एक बार ये घटना 2002 में हो चुका था, यानी कहीं ना कहीं 2000 में जो घटना हुई थी उससे कुछ सीखने की जरूरत थी, जो कहीं ना कहीं लगता है सरकार जब इस कदम को आगे बढ़ाई तो कहीं ना कहीं लगता है उसका स्टडी नहीं किया था क्या, जो तुरंत इसको वापस ले लिया गया और यहाँ पे आगे बढ़ाया भी नहीं, राज्यपाल ने ही इसको लौटा दिया। यानी इससे ये साबित होता है कि उसको जरा सा भी स्टडी नहीं किया गया था और जैसे तैसे, चूंकि यहाँ केवल यहाँ के जनता को छलने के लिए, एक दिखावा के लिए ऐसा लगता है कि उसे पेश किया गया था। इसे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बात तो सही है, बात कुछ हद तक सही है और कुछ तक गलत भी हो सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है कि जो एडवोकेट जनरल हैं, मतलब जो सरकार के सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, वो कौन है? राजीव रंजन श्रीवास्तव हैं। राजीव रंजन श्रीवास्तव बिहार के हैं, जो खतियान विरोधी हैं, जो झारखंड के विरोधी हैं। यही 2002 के डोमिसाइल नीति को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और उसको खारिज करवाया था, वही व्यक्ति आज सरकार का सलाहकार बना हुआ। सलाहकार ही गलत होगा तो वो तो राय भी गलत देगा ना। अब मान लिया जाए हम बाहरी हैं, आप भीतरी हैं, आप झारखंडी हैं, आप हमको सलाहकार बना लिए गए, तो हम अपना चाहेंगे कि अपना अपना विरुद्ध कोई कानून बने, चाहे हमारे जो आने वाला भविष्य है उसके विरुद्ध कोई कानून बने, तो आप तो उसको ऐसा सलाह तो दीजिएगा नहीं। एक टेक्निकल पेज के तहत उसको फंसा दिया गया और ये कहीं ना कहीं बाहरी षड्यंत्र के कारण हुआ है। क्योंकि देखिए, आज मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में जितने भी लोग हैं, चाहे पिंटू हो, सिंटू हो, चिंटू हो, जो भी सलाहकार हो, राइट हैंड हो, लेफ्ट हैंड हो, सबके सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं, सब IAS IPS सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग चाहते नहीं कि झारखंड का भला हो। झारखंड का अगर भला चाहते तो आज स्थानीय और नियोजन नीति ये झारखंड का भविष्य सुधार सकती है, ही भविष्य बना सकती है। लेकिन आज 22 सालों के इतिहास में किसी भी स्थानीय सरकार ने एक सही ढंग से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कोई भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति को परिभाषित नहीं कर पाया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? संविधान भी जो था ना, ये संविधान भी 2 साल 11 महीना में बनकर तैयार हो गया था, इतना बड़ा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य देखिए कि 22 साल में एक अच्छा से स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे साथ 2 राज्य अलग हुए, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उन्होंने भी अपने आप को परिभाषित कर लिया, उन्होंने भी खतियान आधारित या फिर पट्टा के आधार पर अपने आप को परिभाषित किया, उत्तराखंडी कौन है, झारखंड छत्तीसगढ़ी कौन है, लेकिन आज तक झारखंड परिभाषित नहीं करे। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र का शिकार ये राज्य हुआ है और इसका शिकार होने का एक मुख्य कारण है यहाँ के राजनेता। उन्हीं लोगों ने यहाँ का किस तरह से भला होना चाहिए कभी नहीं सोचा, केवल सोचा कि हमारा कैसे भर सकता है, हमारा जेब कैसे गर्म हो सकता है, हम कैसे लूट सकते हैं, उसी पर फोकस किए, झारखंड को एकदम बर्बाद कर दिए, एकदम भीतरे भेज दिए। मोदीदा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब तो खतियान 1932 एक जो आशा लगा हुआ था वो आशा कहीं ना कहीं अब तो धराशाही हो गया, मगर अब हम आपसे चाहते हैं, चूंकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आप एक कद्दावर क्रांतिकारी रहे हैं,
तो अब आंदोलन को आप किस रूप में आगे ले जाएंगे, कैसे लोगों को, चूंकि आप लोग जो पूरे झारखंड के जो जनता है, ग्रामीण है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत एक आस लगाई हुई है। और चूंकि अब 1932 खतियान का जो विधेयक था वो भी वापस ले लिया गया, तो आप जो आंदोलन होगा वो आप किस रूप में आप आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की टीम स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। हम भी इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं और बहुत मेहनत से, बहुत एडवोकेट का सलाह से और बहुत बुद्धिजीवियों के सलाह से हम लोग ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, तैयार हो चुकी है। हम लोग कुछ ही दिनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मिल के हम लोग ड्राफ्ट देंगे। और ड्राफ्ट सौंपने वाले, क्योंकि वो एकदम जितना हम लोग बनाए हैं 99% सही हम लोग ड्राफ्ट दिए हैं। सरकार अगर देख लेती है, उस पर पहल करती है, तो कहीं ना कहीं ये 2-3 महीनों में लागू हो जाएगी और लागू होने के बाद यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो युवा पीढ़ी, उसकी भविष्य सुधर पाएगी, उसके लिए नौकरी आएगी और बहाली होगा तो उसके भविष्य सुधरेगा, उसका घर सुधरेगा, उसका परिवार सुधरेगा, शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा और झारखंड राज्य सुख समृद्धि की ओर बढ़ेगा। लेकिन देखिए कि एक राजनीति बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत ही षड्यंत्र वाला चीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बात को अगर वो एक्सेप्ट कर ले, कहीं ना कहीं उनको लगे कि नहीं, इनका अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं हमारी राजनीतिक करियर ना डूब जाए, ऐसा अगर उनको अनुभव होगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। अगर राजनीति से उठ के अगर झारखंड का हित चाहती होगी सरकार, तो हमारी जो ड्राफ्ट है उसको मानेगी, और अगर मान ली तो यहाँ के छात्रों को, यहाँ के लोगों का भला होगा। दादा, हम आपसे पूछना चाहेंगे, उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सड़क पर अभी आंदोलन कर रहे थे? चूंकि लगातार जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं एक प्रभावी दिख रहा था, मगर जहां से खतियान 1932 को लौटाया गया, तो उन युवाओं को, उन स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों को आप क्या कहेंगे कि आंदोलन को अब आंदोलन करेंगे या फिर अपना पढ़ाई की ओर जाएंगे? देखिए, विनोद बाबू का एक सपना था, विनोद बाबू का एक नारा था, एक सिद्धांत था, उन्होंने कहा था पढ़ो और लड़ो। झारखंड के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से देखे, तब उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पढ़ो और लड़ो। झारखंड एक ऐसा पृष्ठभूमि वाला राज्य है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ बिना लड़े हुए आपको कोई अधिकार नहीं मिल सकता, पढ़ना तो आपको अनिवार्य है ही। हम उन विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि आप जब भी हमारा आह्वान होता है, जिस जिला में होता है, जिस प्रखंड में होता है, वहाँ के क्षेत्र के लोग, वहाँ के क्षेत्र के युवा पीढ़ी वहाँ पर शामिल हों, और वहाँ से आने के बाद भी आप सीखें, समझें, जानें और रात को आके पढ़ाई करें। एक दिन की तो बात रहती है आपके क्षेत्र में, हम नहीं कहते कि आप सब जगह जाइए, नहीं, सब जगह नहीं, जिस क्षेत्र में हो रहा है वहाँ केवल जाइए, पर दिन तो होता नहीं, 6 महीना में 3 महीना आपके क्षेत्र में एक कार्यक्रम होगा तो आप शामिल हो सकते हैं, उसके बाद पढ़िए। क्योंकि अगर मान लिया जाए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे और हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति सरकार से लड़कर अगर लागू करा भी लिए, कर भी दिया, तो क्या कौन नौकरी लेगा अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो? क्योंकि नौकरी निकालने के लिए तो आपको कंपटीशन का तैयारी करना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे तभी तो निकालेंगे, तभी तो ले पाएंगे, तभी अब जब लेंगे तभी तो हमारा सपना साकार होगा, तभी तो विनोद बाबू का सपना साकार होगा। और लड़ो इसलिए बोले थे विनोद बाबू कि झारखंड जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर अतिक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ है। एक आंकड़े और एक डाटा के मुताबिक कहा जाता है कि जब बिहार राज्य छोड़ता है तो सबसे ज़्यादा झारखंड में प्रवेश करता है, 17% प्रवेश करता है आपका दिल्ली जाता है और 14% झारखंड आता है, यानी 34,000 बाहरी लोग हर साल यहाँ घुसते हैं और घुस के यहाँ पर उनके रोजी रोटी का हकमारी करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें ओपन है, सारा नियमावली में सीटें ओपन है, जिस कारण से इस तरह से होता है। तो वो नहीं अगर चाहते हैं, अगर उसमें आप प्रतिबंधित लगाना चाहते हैं, बैरियर लगाना चाहते हैं, घोरना चाहते हैं, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के बाद ही आपका बैरियर लग पाएगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।